कोरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि पात्र हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास का प्रथम किस्त बैंक खाते में आते ही कई हितग्राहियों ने निजी स्वार्थ में आवास निर्माण की राशि खर्च कर दी। अब हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि प्रथम किस्त से प्राप्त राशि का भरपाई तत्काल आवास निर्माण कराकर कर सके। यही कारण है कि पूर्व लक्ष्य को पूर्ण कराने में प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं। इसके तहत ही जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला तक आवास निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा की जा रही है। जल्द ही हम आवास निर्माण कार्य के लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। सभी के सर पे छत उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन की ये मंशा है, शासन और प्रशासन की, कि सभी को छत उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम कोरिया जिले में ये प्रयास कर रहे हैं कि जो टारगेट्स हमारे पास हैं, पूर्व के जो लक्ष्य हैं, उनको हम वीकली हम समीक्षा कर रहे हैं। सारे TAs, रोजगार सहायक, हमारा जो जमीनी अमला है, इवन NRLM को हम मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जिला स्तर पे उसकी समीक्षा कर रहे हैं, राज्य स्तर पे उसकी समीक्षा की जा रही है, और जिला स्तर पे भी हमने समीक्षा जो है तोड़ तोड़ के किया हुआ है, सचिव वाइज, TA वाइज, रोजगार सहायक वाइज, और हमारे सारे स्टाफ इसमें लगे हुए हैं। क्लस्टर्स में हमने नोडल बना दिए हैं। पुराने ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पे पैसे देने के बाद भी अगर नहीं हुआ है उनका घर का काम, तो उनको भी हम विशेष कैटेगरी मानते हुए सभी को मोटिवेट करके कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम नियत समय में सारे मकान कंप्लीट करा लेंगे।